दोस्त आज के इस वीडियो में जानने वाले तुम्बाड के रे रिलीज के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में साथ साथ जानेंगे। दोस्तों इस मूवी ने कितना इंडियन नेट कलेक्शन किया, कितना इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया। इस मूवी ने फर्स्ट डे रे रिलीज कलेक्शन किया था 1,65,00,000 रुपए का और फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन किया था 7,25,00,000 रुपए का और फर्स्ट वीक कलेक्शन किया था 13,10,00,000 रुपए का। और साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने दूसरे हफ्ते कलेक्शन किया था 7,68,00,000 रुपए का और 11वें दिन कलेक्शन किया था 1,06,00,000 रुपए का। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने 11 दिन में टोटल इंडियन नेट कलेक्शन किया था 21,84,00,000 रुपए और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था 26,20,00,000 रुपए का। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका था 17 करोड़ रुपए। दोस्तों इस मूवी का बजट था 8 करोड़ रुपए। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी थी सेमी हिट। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों तुम्बाड मूवी को आईएमडीबी रेटिंग मिल चुकी है 8.2/10। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के 12वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मूवी अपने 12वें दिन कलेक्शन करने वाला लगभग 80,00,000 रुपए का। दोस्तों ये मूवी अपने ओरिजिनल रिलीज से भी ज्यादा रे रिलीज में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है और इसी सक्सेस को देख के मेकर्स ने इस मूवी के पार्ट 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों क्या आपने भी कल क्लासिक मूवी तुम्बाड देखी है या नहीं, कमेंट में जरूर बता देना। दोस्तों इस मूवी से जुड़े डेवाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।